नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल पीजी कॉलेज हमीरपुर जल्द ही ग्रीन कैंपस का दर्जा हासिल करेगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस साल इस कॉलेज में नैक की टीम आएगी और नैक का दर्जा इस साल कॉलेज हासिल कर सके इसके लिए यहाँ ग्रीन कैंपस होना बहुत जरूरी है। कॉलेज में एक हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ लैब से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए भी अलग से एक गार्डन बनाया जाएगा। यहाँ एक नवग्रह वाटिका भी तैयार हो रही है। इन तीनों सुविधाओं के तैयार हो जाने के बाद नैक मान्यता प्राप्त करने में संस्थान को आसानी होगी। आवश्यक है आसपास की परिस्थिति या परिवेश जिसमें हम लोग रहते हैं पर्यावरण दोनों ही तरीके से हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक पर्यावरण है या जो भौतिक पर्यावरण है। जहाँ तक भौतिक पर्यावरण का संबंध है उसके लिए तो हमने प्लांटेशन ड्राइव बरसात के मौसम में करेंगे, लेकिन परिसरों में एक चुनिंदा जगहों पर कुछ खास जगहों पर हमने कुछ पार्क्स डेवलप करने का प्रयास किया है। पानी की दिक्कत है तो उसको पूरा करने के लिए जो हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जो हमने पानी स्टोर कर रखा है वहाँ से हम पानी ले रहे हैं, और 15-20 दिन की और बात है जब जिसको हम पिंच पीरियड का नाम देते हैं जब पानी की दिक्कत होती है, तब तक हम धीरे धीरे एक हर आर्टन बेस पर पानी दे रहे हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा एक तो नेचुरल तरीके से पानी आएगा और दूसरा हम आर्टिफिशियल तरीके से स्टोर करते हैं पानी, उससे इसकी हम सिंचाई करेंगे। पूरे कॉलेज को ग्रीन कैंपस में कन्वर्ट करना नैक की एक प्रीरिक्विजिट है, और इस अगर कैंपस हमारा ग्रीन होगा तो ग्रेडिंग सुधरती है, सीजीपीए इम्प्रूव होता है हमारा, और क्योंकि हमारी नैक इस साल ड्यू है और जो वेटेज आता है इसमें ग्रीन कैंपस का उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक हर्बल गार्डन बनाया है जिस आयुष गार्डन का नाम दिया है। ये हमने नवग्रह वाटिका बनाई है और केमिकल वेस्ट को एब्सॉर्ब करने के लिए केमिकल प्लग के द्वारा एक वाटिका का निर्माण किया गया है जिसमें मोस्ट ज़्यादातर ज़ीरोफैटिक प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा कंटीन के सामने सारा एरिया जो है वो कंक्रीट के जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसको ठीक करने के लिए हमने 50 प्लांट लगाए हैं, 50 सीडलिंग लगानी है, वो इसमें 7 प्लांट लगाएंगे, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं बेशक वो एग्जॉटिक है लेकिन हमारे यहाँ की जो ज़रूरत है, हमारी जो क्लाइमेट है उसके मुताबिक है, उनको हम लगा रहे हैं।